24 अक्टूबर आज वर्ल्ड पोलियो डे है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और उसका मुख्य उद्देश्य कि पूरे विश्व में जो पोलियो है उसका उन्मूलन करना है। अभी तक सिर्फ एक ही बीमारी है ऐसी है, वो जड़ से कटी है। अब जो सेकंड नंबर है, जो 99.9% पोलियो विश्व से जा चुका है और इसलिए पूरा दुनिया इसमें लगी हुई है कि पोलियो भी दूसरी बीमारी बन जाए जो जड़ से समाप्त हो जाए। लेकिन जो 0.1% है जो अभी रह गया है पूरे विश्व में, उसको हमें जड़ से मिटाना है। तो इसलिए ये पूरे विश्व में वर्ल्ड पोलियो दिवस को मनाया जाता है ताकि लोगों को हम जागरूक कर सकें कि अभी पोलियो बीमारी रह गई है। इसलिए समय समय पर जो भी लोग आते हैं, सरकारी अफसर आते हैं या जो हेल्थ वर्कर्स आते हैं आपके घर पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए, कृपया करके उनको मना ना करें, क्योंकि अगर एक भी चेन टूट गई तो ये पूरी चेन जो है विश्व में जो चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके सबसे ज़्यादा केसेस साउथ ईस्ट एशिया यानी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसी बेल्ट में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो इसलिए मेरी लोगों से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि हमारे को अगर पोलियो जड़ से समाप्त करना है तो कृपया करके जागरूक होइए और बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाइएगा और साथ में दो और जो टीके हैं उनको अभी जरूर लगवाइएगा अपने डॉक्टर से सलाह करके। अगर आपके घर पे पोलियो वाले नहीं आ पाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाके डॉक्टर से पोलियो की दवा जरूर पिलवाएं ताकि हम विश्व से इस बीमारी को जड़ से समाप्त कर सकें। और यही हमारा मेन उद्देश्य है वर्ल्ड पोलियो दिवस को मनाने का।